दिल्ली में इंडिया गेट पर जलने वाले अमर जवान ज्योति का आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय किया जाएगा। इस फैसले को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विरोध किया। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते। अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से जल रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर से जलाएंगे। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही कोरोना के सबसे तेजी से फैल रहे वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,47,254 नए केस सामने आए और 703 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9,992 मामले सामने आ चुके हैं। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 17.94% है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 20,18,825 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,88,393 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 2,51,777 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 3,60,58,806 लोग कोरोना संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 160 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 70 लाख से ज्यादा डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन के 160 करोड़ 43 लाख 70 हजार 484 डोज दी जा चुकी हैं। बदायूं में आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी दीपा रंजन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह और पुलिस अधीक्षक नगर और पुलिस प्रशासन की तरफ से नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इसी के साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। ये जनपद बदायूं में 21 तारीख से आगामी विधानसभा 2014 के इलेक्शंस का नॉमिनेशन शुरू है, कलेक्ट्रेट में होगा। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है और जो माननीय चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि कैंडिडेट के साथ दो व्यक्ति जाएंगे, केवल वही उन्हीं निर्देशों के तहत ही और जो कोविड के डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन किया जाएगा। त्रिस्तरीय आउटर कार्डन, इनर कार्डन और आइसोलेशन कार्डन की व्यवस्था की गई। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से प्रेस्किन करके हर पॉइंट पे 3 क्षेत्र अधिकारियों के नेतृत्व में ये पुलिस बल लगाया गया है। बदायूं के म्याऊं विकास क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय से सरकारी किताबों के बेचने का एक मामला सामने आया, जिसका एक वीडियो भी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मामला ग्राम पंचायत चंगासी के प्राथमिक विद्यालय का है। ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षा मित्र ने स्कूल में रखी सत्र 2021-22 की किताबें कबाड़ी को बेच दी है। कल मैं जब यहाँ से घर से जा रहा था दुकान बंद करके, उसके बाद मैंने देखा जो कबाड़ वाला टेम्पो वाला है वो सरकारी स्कूल से किताबें ले जा रहा था। जब मैंने उसे आगे जाके रोका, उससे जब बात की तो बता रहा था कि मेरे लिए सरकारी स्कूल के मास्टर जो उन्हें जयपाल सिंह उर्फ जगतपाल सिंह हैं उन्होंने किताबें बेची हैं। मैंने कितने हैं, जब मैंने उसे देखा, उसकी वीडियो भी बनाई, मैंने मेरे फ़ोन में वीडियो भी है इसकी, जब मैंने देखा तो 6 बोरा किताबें थी उसमें। उसका सन है 2021 और 22 दोनों है। ये मतलब काफ़ी बार कर चुके हैं ऐसा काम। और जिसका जितना भी कबाड़ होता है वो कबाड़ वगैरह सब बेच देते हैं। अभी स्कूल में कुछ दिन पहले ईंटें बिछी थी, ये उन्होंने काफ़ी ईंटें तो अपने जो जानवर होते हैं उनके नीचे बिछा रखी हैं, काफ़ी ईंटें। और उनके एक शिक्षा मित्र हैं, उनकी भाभी जी हैं। एक तरफ जहां कोरोना का बढ़ता संक्रमण पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आगरा में बीती रात मशहूर डांसर सपना चौधरी के डांस का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। दरअसल जानी मानी डांसर सपना चौधरी कल आगरा पहुंची थी, वहां उनके एक कार्यक्रम में अपना परफॉर्मेंस देना था।
इस दौरान सपना के कार्यक्रम को देखने सैकड़ों लोग पहुंच गए और खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। कार्यक्रम में भीड़ इतनी बढ़ गई कि यहां कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ सपना का एक डांस प्रोग्राम पूरी रात चलता रहा। रिपोर्ट की माने तो कार्यक्रम में कई लोग बिना मास्क के भी नजर आए थे। बता दें कि जानी मानी हरियाणवी डांसर सपना चौधरी टीवी शो बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी हैं और आए दिन अपने डांस और वीडियोस को लेकर चर्चा में रहती हैं। उनके डांस को लोग काफी पसंद भी करते हैं। शायद यही कारण है कि सपना को देखने कार्यक्रम में कोरोना के गाइडलाइंस की परवाह किए बिना ही सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। सहारनपुर में वैक्सीन नहीं लगवाने पर रामपुर मनिहारन के चौकवाली गांव को प्रशासन ने सीज कर दिया। गांव के मुख्य मार्ग पर बैरिकेटिंग करके पुलिस लगा दी गई है। जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई उनके गांव से बाहर निकलने पर रोक है। वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखकर ही ग्रामीणों को गांव से बाहर निकालने दिया जा रहा है। संभवतः यूपी में पहला मामला है जो प्रशासन ने वैक्सीनेशन ना करवाने पर पूरे गाँव को ही सीज कर दिया। नहीं देखिए, जनपद सहारनपुर में जो कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है काफ़ी ठीक तरीके से हम लोग चला रहे हैं और इसमें जो प्रथम डोज है करीब 90% के ऊपर लोगों ने प्रथम डोज लिया है। इसी प्रकार सेकंड डोज भी जो है 54% लोगों ने लिया है। जो वैक्सीनेशन है वो पूर्णतया फ्री है और वैक्सीनेशन के लिए जो भी मीडिया है, यहाँ के धर्मगुरु हैं, सम्भ्रांत नागरिकगण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी के माध्यम से हम लोग लगातार जो यहाँ के नागरिक हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि वो लोग इस कोरोना वैक्सीनेशन का जो है अधिकाधिक लाभ लें। इसके बावजूद कुछ लोग हैं जो बिना किसी समुचित कारण के जो है कोरोना वैक्सीनेशन से परहेज कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग अभी तो फिलहाल उनको समझाने का काम कर रहे हैं।